हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं गाइस, हमारे पास यहां पे SPI फ्लैश है गाइस। इसका जो नंबर है गाइस 25Q32। तो गाइस, इसका जो है इसमें जो प्रोग्राम भरा हुआ है गाइस, तो इसे हम किस तरीके से कॉपी करके इसका बैकअप बना सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसका जो बैकअप बनाने के लिए गाइस किस तरीके से करना है गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, वो भी मोबाइल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरीके से करना है। यहाँ पे गाइस मैं जिस तरीके से हमने इसे इसके पहले हम इसमें प्रोग्राम किया था गाइस, तो इसी तरीके से हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये मोबाइल को मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो इसका सॉफ्टवेयर गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस, इसका जो सॉफ्टवेयर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे लाइट कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैं तो देखिए इस तरीके से लिख के आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख के आ चुका है, यहाँ पे कुछ रेड लाइट कनेक्ट हो चुका है गाइस। ठीक है, तो गाइस अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो है कॉपी क्लिक करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ पे 25Q 25 की सीरीज़ का यहाँ पे चिप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 25 की सीरीज़ पर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो यह 25Q 32 है गाइस ये मेमोरी चिप, तो यहाँ पे इसका 25M 32 यहाँ पे कुछ क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड लाइट चालू हो चुका है, मतलब यहाँ पे डी जो इसका जो डेटा है रीड हो रहा है गाइस। ठीक है, तो ये बंद होने तक वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे बैनर लिख के आएगा, देखिए। तो देखिए गाइस, इस तरीके से गाइस यहाँ पे जो है बाइनरी कोड यहाँ पे लिख के आ चुका है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोग्राम है गाइस कोडिंग में। ठीक है, तो इसे हम सेव करना है। सेव करने के लिए गाइस यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फाइल क्लिक करूँगा। फाइल करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट डायरेक्टरी बोलेगा, ये जो है गाइस ये स्टोरेज में है गाइस। ठीक है, ये जो इंटरनल मेमोरी में डाउनलोड में रोम बोल के ये जो है डायरेक्टरी है, इसके अंदर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लिख के आएगा गाइस न्यू डेस्टिनेशन फाइल, तो उसका जो नाम रखना है, जो फाइल हम सेव करने वाले उसका नाम रखना है। तो नाम रखने के लिए यहाँ पे कुछ भी अपने मन से कोई भी एक नाम रख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम फाइल सेव होने वाली है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो है प्रोग्राम फाइल सेव हो चुकी है। तो गाइस होने के बाद गाइस ये काम ही लगेगी गाइस, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ क्लिक कर दूंगा, इसको मैं निकाल दूंगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये प्रोग्राम इसमें रहेगा एक्सप्लोरर में इंटरनल मेमोरी। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल मेमोरी में यहाँ पे डाउनलोड फाइल। ठीक है, डाउनलोड में रहने वाला है रोम। रोम को क्लिक करने के पे यहाँ पे प्रोग्राम डॉट रोम। तो यही है गाइस हमारा जो प्रोग्राम सेव हुआ है गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे हम प्रोग्राम कॉपी कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं। और गाइस किसी डिवाइस में अगर करप्ट होता है तो यही प्रोग्राम हम फिर से इंस्टॉल करके यहाँ पे हम लगा सकते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।